वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ आईफोन 11 प्रो और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस 5G। तो देखते हैं स्पीड टेस्ट में कौन विनर होता है। तो सबसे पहले बात कर लो स्पेसिफिकेशंस की। आईफोन 11 प्रो में 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज और इसकी स्क्रीन साइज 5.8 इंच। कैमरे की बात की जाए ट्रिपल कैमरा है, 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 12 मेगापिक्सल। वहीं पे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस 5G की बात की जाए तो इसमें 12GB रैम और इसमें ट्रिपल कैमरा यूज किया गया है, 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा जो है इसका 10 मेगापिक्सल है और इसमें स्टोरेज है 256GB स्टोरेज। इसकी स्क्रीन की साइज है 6.8 इंच। तो दोनों फ़ोन को पहले मैं स्विच ऑन करता हूँ और देखते हैं किसकी स्पीड जो है बेटर है। तो यहाँ पे सैमसंग लोड हो रहा है पहले और कुछ सेकंड बाद जो है आईफोन का लोगो ऑन हुआ। देखते हैं कौन फाइनली स्विच ऑन होता है। तो यहाँ पे सैमसंग का जो बूटअप स्पीड है बेटर देन आईफोन और इसमें 12GB रैम है सैमसंग में और आईफोन में 4GB। सैमसंग बूटअप हो गया और कुछ सेकंड बाद जो है आपका आईफोन बूटअप हुआ। तो बूटअप स्पीड की बात की जाए तो सैमसंग विनर है। अब मैं एक एक करके ये सारे एप्लीकेशन टेस्ट करूंगा और फिर उसमें देखेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन किस में सबसे पहले ओपन होता है। तो यहाँ पे सब एक और फीचर की बात कर लूँ, स्क्रीन अनलॉक फेस रिकॉग्निशन मेथड दोनों में है। तो देखते हैं कि फेस रिकॉग्निशन स्पीड किसकी बेटर है। इफ़ यू सी दिस लॉक बटन इट विल गेट अनलॉक। ये जो लॉक बटन है ये अनलॉक हो जाएगा। दोनों को एक वापस लॉक करता हूँ और फिर देखते हैं सबसे पहले अनलॉक कौन होता है। वन सेकेंड, 1 2 3। सो आईफोन का जो अनलॉक स्पीड है फेस रिकॉग्निशन बेटर है सैमसंग के गैलेक्सी नोट 10 प्लस 5G से। अब एक एक करके सारे एप्लीकेशन टेस्ट करता हूँ सारे एप्लीकेशन। तो सबसे पहले ओपन करते हैं गूगल क्रोम एप्लीकेशन को, देखते हैं किसका स्पीड बेटर है। तो गूगल क्रोम ओपन हुआ पहले सैमसंग में, सैमसंग विनर। सेकंड एप्लीकेशन की बात की जाए पबजी मोबाइल, तो आईफोन में ये पहले ओपन हुआ। तो अगर गेम की बात की जाए तो गेम एप्लीकेशन आईफोन में पहले ओपन हो रहा है, तो गेम में आईफोन विनर है गेम एप्लीकेशन में। क्लोज दिस एप्लीकेशन। थर्ड है क्लॉक, इसको देखते हैं ऑलमोस्ट सेम टाइम आईफोन और गैलेक्सी नोट 10 प्लस 5G। फोटो सेक्शन की बात की जाए फोटो और गैलरी, देखते हैं किसका बेस्ट है, ऑलमोस्ट सेम टाइम दोनों में। कैलेंडर की बात की जाए कैलेंडर एप्लीकेशन को ओपन करने पे ऑलमोस्ट सेम टाइम कैलेंडर एप्लीकेशन। ये रहा आपका कैमरा, तो कैमरा देखते हैं किसका बेटर है। वेलकम टू नो कि किसकी स्पीड बेटर है। तो कैमरे की बात की जाए तो आईफोन का कैमरा बेस्ट है, विनर है, स्पीड अच्छी है सैमसंग के कंपैरिजन में। नेक्स्ट एप्लीकेशन है नेटफ्लिक्स, देखते हैं कौन ओपन होता है फर्स्ट। ऑलमोस्ट सेम स्पीड है दोनों की। अगेन कॉल ऑफ ड्यूटी गेम टेस्ट करते हैं, आईफोन में पहले लोड हुआ। तो गेम एप्लीकेशन आईफोन में पहले लोड हो रहा है एज कम्पेयर टू सैमसंग। नेक्स्ट अगेन ये गेम एप्लीकेशन है, चेक करते हैं, आईफोन में पहले ओपन हो रहा है ये गेम एप्लीकेशन। अगेन सैमसंग में लोड होने में टाइम ले रहा है, इट इज टेकिंग टाइम। तो ये भी एप्लीकेशन गेम एप्लीकेशन आईफोन में स्पीड बेस्ट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है यूट्यूब, इसको ओपन करते हैं। तो YouTube जो है ऑलमोस्ट सेम है, वन सेकेंड लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। तो ऑलमोस्ट सेम स्पीड है YouTube की। नेक्स्ट एप्लीकेशन टेम्पल रन गेम है, देखते हैं किस में पहले ओपन होता है। तो आईफोन में और ऑलमोस्ट टेम्पल रन की स्पीड सेम है बोथ एप्लीकेशन बात की जाए तो। अब टेस्ट करते हैं फेसबुक एप्लीकेशन को किस में पहले ओपन होता है। ऑलमोस्ट सेम टाइम है फेसबुक एप्लीकेशन की बात की जाए, चेक करते हैं व्हाट्सएप। तो पहले लोड हुआ सैमसंग में। इंस्टाग्राम को टेस्ट करते हैं,
तो पहले लोड हुआ सैमसंग इंस्टाग्राम लूडो किंग गेम एप्लीकेशन, पहले लोड हुआ आईफोन में, उसके बाद कुछ सेकेंड लोड हुआ सैमसंग में। नेक्स्ट है सेटिंग, तो सेटिंग ऑलमोस्ट फास्ट है आपका सैमसंग। और ऐप स्टोर और प्ले स्टोर की बात की जाए, देखते हैं कौन सा बेस्ट है। तो ऐप स्टोर स्पीड अच्छी है सैमसंग में एज कम्पेयर टू आईफोन। अब यहाँ पे एक अमेजॉन एप्लीकेशन है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अमेजॉन की स्पीड आईफोन पे बेटर है कम्पेयर टू सैमसंग, और शेयर इट इस एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, देखते हैं किस पे स्पीड बेस्ट है। तो सैमसंग पे शेयर इट की स्पीड अच्छी है, तो सैमसंग विनर यहाँ पे। तो स्पीड टेस्ट करने से ये ओवरव्यू पता चला कि अगर गेमिंग एप्लीकेशन की बात की जाए तो आईफोन विनर है, और वहीं पे अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल अकाउंट की बात एप्लीकेशंस की बात की जाए तो सैमसंग विनर है। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन दोनों में कौन सा एप्लीकेशन विनर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।